तो साथियों हम लोग शुरू कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब टेस्ट सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए रामबाण है। साथियों आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। साथियों ये टेस्ट सीरीज हम लोग इसको पहले कर चुके हैं, मैं पहले बताया था इस टेस्ट सीरीज में हमारी कुल 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है और इस 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में साथियों 50 क्वेश्चन जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का था, 50 क्वेश्चन साथियों इसमें एंशियंट है और 50 क्वेश्चन इसमें मेडाइवल है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन ये मॉडर्न हिस्ट्री का इसके पहले कर लिए हैं, तो जो हम लोगों का आधा बचा था 50 क्वेश्चन ये एंशियंट और 50 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री का, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग कर लिए हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला तो आप लोग जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। मैं बोला था इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, वीडियो को यही 50 क्वेश्चन तक रोक दिया गया था, तो हम लोग इस सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से देखते हैं 150 तक। साथियों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, एक से बढ़कर एक प्रश्न है इसमें आपके, जो बेहतरीन प्रश्न है, खास करके जो RO AR O UPPCS बिहार PCS जैसे विभिन्न एग्जामों में कई कई बार रिपीट हुए हैं प्रश्न या फिर से उनके आने की संभावना है, तो ऐसे ही प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो आप लोग इसका एक बार अवलोकन अच्छे से करेंगे तो बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट आपको जानने को मिलेगा जो एग्जाम हाल में आप लोगों को मजबूती प्रदान करेगा। तो चले हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51। बहुत अच्छा, तो साथियों हम लोग 50 क्वेश्चन तक देख लिए थे कि कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे, तो इसको हम लोगों ने देख लिया था साथियों सुरेंद्र बनर्जी विकल्प नंबर बी था। अब हम लोगों का यहां से साथियों ये एंशियंट शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 51 से, तो इसमें कह रहा है कि बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से, कहां से, बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है, यह स्थल कहाँ है, यानी साथियों आपसे पूछ रहा है ये जहां से मिलती है नवपाषाण युग की अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है यह बुर्जहोम पुरास्थल से मिली है, तो यह बुर्जहोम कहाँ है, तो साथियों आप लोग को मालूम है साथियों यह बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, यह बुर्जहोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो नवपाषाण कालीन युगीन अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी प्रदान करता है। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं इसमें, देखें 52 में क्या है, चारों वेदों में सबसे लघु वेद क्या है, तो साथियों सबसे लघु वेद की बात करें, आप लोगों को मालूम है सबसे अगर प्राचीन वेद आपको पूछे तो आप लोग ऋग वेद बताएंगे, लेकिन यहां पर सबसे लघु वेद जब पूछ रहा है तो साथियों सामवेद होगा, विकल्प नंबर आपका उत्तर डी हो जाएगा, सामवेद। सामवेद में साथियों आप लोग जानते हैं जो सारे गामा पाधानी है यह सामवेद में ही इसकी चर्चा है, और सामवेद के जो मंत्रों को उद्गाता होता है साथियों इसे जो है हम लोग होत्री बोलते हैं, विकल्प नंबर ये हमारा डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, देखें 53 में, 53 में क्या पूछा जा रहा है, किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी, तो साथियों पाषाण युग में तीन भाग बनाया गया, आप लोग को मालूम है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, तो किस पाषाण काल के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी, तो साथियों जो चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी वो मध्य पाषाण काल युग के थी, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, खास करके जितने चित्रकला मिले हैं ये पाषाण काल में तो मध्य पाषाण काल के हैं। अगर आपसे पूछे ये जो पहिए की खोज हुई है या पशुपालन का या कृषि का, ये सब साक्ष्य जो मतलब मिला है ये सब नवपाषाण काल में हुआ है, तो आप इसको बताएंगे, अगर ये सब नहीं है चित्रकला की बात आ रही है तो आप मध्य पाषाण काल युग बताएंगे। आगे हम लोग देखते हैं 54 में, देखें क्या है 54 वाले में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी, तो आपसे पशु पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी, तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा वो जो सबसे पहला पालतू जानवर जो वो लोग बनाए थे वो कुत्ता को बनाए थे, डॉग को, ये तो आपको मालूम है, अगर आए तो आप लोग बता देना, और उसके बाद साथियों वो लोग बिल्ली से भी परिचित थे, ऊंट से भी, गधा से भी, वो लोग सिंह से परिचित नहीं थे, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, सिंह, शेर, क्योंकि वो जो है शेर के विषय में उन लोगों को जानकारी नहीं थी।
आगे हम लोग देखें 54 में, 55 में, तो देखें इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे। कह रहा है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कई सारे एग्जाम में कई बार कई तरह से पूछा जाता है, इसको जरूर समझ लीजिए एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इस पर ध्यान आपको देना है। तो साथियों आप लोगों को मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता को, ऐसे आप थोड़ा सा सोच लीजिए, ऐसे मैं बना दे रहा हूं तो आपको याद आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी मतलब था, सबसे उत्तरी सीमा वो जम्मू कश्मीर में मांडा था, यम मैं लिख दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर में जो ये है, तो ये सही बात है, लेकिन हमसे गलत बताना है। और सबसे जो सबसे पूर्वी जो सीमा थी वो साथियों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश थी, और जो सबसे पश्चिमी है साथियों वो सुतका गेंडोर थी, सुतका गेंडोर, तो ये सबसे पश्चिमी है, और सबसे पूर्व में ये दायमाबाद थी जो महाराष्ट्र में है, तो ये हो गया। तो साथियों मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे दिया हूं, तो इसका मतलब साथियों देखो जो मैंने बताया उसके हिसाब से सबसे उत्तरी सीमा मांडा थी जम्मू कश्मीर में, सबसे दक्षिणी सीमा साथियों दैमाबाद थी महाराष्ट्र में, सबसे पश्चिमी साथियों यह सुरकोटदा दे दिया है, तो ये गलत है, सुरकोटदा नहीं होगा, सुतका गेंडोर होगा, सुतका गेंडोर, तो ये होना चाहिए, सुरकोटदा नहीं होगा, तो यही आपका गलत हो गया, यही आपका उत्तर होगा। और सबसे पूर्वी सीमा आलमगीर फिर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के पास, तो ये सब सही है तीनों, गलत यही था आपका सी वाला। आगे चले हम लोग 56 में, 56 में साथियों क्या कहा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, तो साथियों 56 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है, तो लोथल के संबंध में कौन सा सही नहीं है इसको हमें बताना है। बहुत अच्छा साथियों, लोथल के संबंध में कौन सा हमारा सही नहीं है, तो यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था, यह साथियों बंदरगाह था, ये कैम्बे की खाड़ी के पास, ये बात सही है लेकिन हमको गलत बताना है। इसका उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने किया था, यस बिल्कुल सही, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, साथियों सरासर गलत, ये जो लोथल में ये जो बंदरगाह था यह कृत्रिम बंदरगाह था, प्राकृतिक नहीं था, यानी इसे बनाया गया था, मानव निर्मित था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका उत्तर होगा, और यहां कोई दुर्ग नहीं था, यह भी सच है। आगे देखते हैं हम लोग, देखें सातवां में 57 में दिया है साथियों, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था, पाटलिपुत्र में किले का निर्माण किसने करवाया था, ये तीन शासकों के नाम दे दिया है आपको, बहुत अच्छा, इन शासकों के नाम आप लोग याद रखिए, हर्यक वंश के शासक हैं, इनका एक ट्रिक होता है याद करने का, बाऊ, बाऊ हम लोग गांव में बाऊ बोलते हैं ना, तो वही बाऊ, तो ये बाऊ इनका क्रम भी है, बी से साथियों बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, यू से उदयन, ये तीनों इसका नाम का एक शॉर्ट फॉर्म है, और बाऊ से समझ लीजिए कि ये सब लोग अपनी बाऊ की हत्या किए, जैसे बिंबिसार की हत्या ये अजातशत्रु ने कर दिया था अपने बाप की, और उदयन ने अपने बाप अजातशत्रु की हत्या कर दिया था, इसीलिए इस वाले शासकों को प्रीति मतलब पिता का हत्या करने वाला कहा जाता है। तो मैं एक आपको लोग बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया, याद कर लेंगे तो काम देगा आपको। फिलहाल ये जो पाटलिपुत्र में किले का निर्माण करवाया था साथियों, ये करवाया था अजातशत्रु ने, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा। आगे देखें 58 में क्या है हमारा, 58 में साथियों क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तोलकाप्पियम के संबंध में सही नहीं है, तोलकाप्पियम साथियों एक तमिल महा का तमिल साहित्य है साथियों, जो जिसे तोलकाप्पियार ने लिखा था, नाम है तोलकाप्पियम और लिखा था तोलकाप्पियार ने, तो यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है, यस बिल्कुल सही है, तमिल साहित्य है, इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी, गलत साथियों सरासर गलत, और यही गलत आपसे पूछना चाह रहा है, गलत आपका उत्तर हो जाएगा, यही बी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना तोलकाप्पियम ये ग्रंथ है और इसी के जैसा उसका रचना करने वाले का नाम है तोलकाप्पियार, यहां मैं लिख दे रहा हूं तोलकाप्पियार ऐसे। आगे देखते हैं हम लोग, यही है मतलब आपका गलत था,
तो इसके जगह पर तोलका पीआर होना चाहिए था, ये आपका उत्तर हो गया। फिलहाल ये सही है, तमिल व्याकरण की एक रचना है, यह संगम काल की राजनीति और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आगे चले हम लोग 59। 59 में क्या है, इसमें साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संदर्भ में सही नहीं है। तो गुप्तकालीन सिक्कों के संदर्भ में जो बात सही नहीं है इन चारों में, उसी में से आपको बताना है। तो जो सही नहीं है यानी जो गलत है साथियों, बहुत अच्छा। तो इसमें साथियों क्या है, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था गुप्त काल में, चांदी को सिक्कों को रूपक कहा जाता था, यस बिल्कुल सही। लेकिन हमें गलत बताना है, सोने के सिक्कों को साथियों दिनार कहा जाता था, ये भी बात सच है। अब साथियों गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। साथियों गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उनकी गुणवत्ता बहुत ही घटिया थी, अच्छी नहीं थी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, गलत हो गया ये, यही आपका उत्तर हो, क्योंकि गलत पूछना चाह रहा है। तो सी वाला आपका उत्तर हो गया, फिलहाल ये भी सही है। तो हमसे गलत पूछा तो गलत सी है। 60 में देखते हैं, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता था। तो साथियों गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक, साथियों यही बात है, जो मतलब सर्वोच्च दंड देने का सर्वोच्च काम होता था, सबसे ऊंचे पद पर था, तो यानी साथियों ये कौन होता था, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, विकल्प नंबर बी होता है, उत्तर हो जाएगा महादंड नायक। आगे देखते हैं हम लोग 61 में। 61 में साथियों क्या कहा जा रहा है आपसे, बहुत अच्छा। 61 में साथियों पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक के लेखक कौन है। तो ये नागानंद जो एक नाटक है इसके लेखक कौन है ये जानना चाह रहा है। तो साथियों इसके लेखक हर्षवर्धन है, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। साथियों सम्राट हर्षवर्धन जानते हैं स्वयं ने 3 नाटक लिखे हैं, एक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो मतलब इन तीनों हर्षवर्धन ने ही लिखा है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 62 में। तो निम्नलिखित में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है। अमोघ वर्ष प्रथम के संदर्भ में जो बातें लिखी गई है कौन सा उसके संदर्भ में बात गलत है उसे हमें बताना है। तो साथियों वह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे, यस ये अमोघ वर्ष प्रथम जो थे ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे, ये बात सही है, लेकिन गलत हमको बताना है। वह शैव मत का मतायोनी था। तो साथियों ये बात गलत हो गया, क्योंकि साथियों उन्होंने 64 वर्ष की दीर्घ अवस्था में शासन तक मतलब किया था। तो और साथियों ये उसके मतलब वो उपदेशक जो है जैन धर्म से संबंधित थे, तो इसके साहित्य संरक्षक भी कन्नड़ भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन अमोघ वर्ष प्रथम, अमोघ वर्ष प्रथम साथियों एक राष्ट्रकूट वंश से शासन था, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित एक शासक था। तो कह रहा है अमोघ वर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों पहला दिया है, कह रहा है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, यस मैंने पहले बताया अमोघ वर्ष प्रथम ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, जैन धर्म का मतायोनी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था, और इसमें लिखा है शैव मत का अनुयायी था। तो साथियों ये दूसरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने पहले बताया यह जैन धर्म से संबंधित था। तो बी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बी ही गलत है, शैव धर्म के साथियों यहां जैन धर्म होना चाहिए था। आगे देखते हैं बाकी सब सही है, इसको पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं तीसरा में 63 में, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों ये राजा राम राजा प्रथम ने करवाया था, ये विकल्प नंबर आपका ये हो जाएगा बी हो जाएगा, तंजौर में। तो चोल वंश के मतलब ये कह सकते वास्तुकला है जो द्रविड़ शैली से संबंधित ही है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये 64 में आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो किसके द्वारा शासित थे, तो किसके द्वारा शासन किए जाते थे ये पूछ रहा है साथियों। तो जो ये जनजाति गणतंत्र ये तो नहीं होगा,
लोकतांत्रिक स्वरूप ये भी नहीं होगा, राजशाही सरकार ये भी तो नहीं हो सकता ऋग्वेदिकार के संदर्भ में, ये वृद्धजनों के द्वारा शासन। तो साथियों ये वृद्धजनों का शासन है, एक तरह का जो समिति थी जो कह सकते हैं जो सीनियर लोगों की थी, तो इसी से वो शासित होते थे। विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा आपका, 64 में डी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग 65 में। 65 में साथियों आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लौह युग के चित्रित भूरे मृत भांड संस्कृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो लौह युग के चित्रित भूरे मृत भांड संस्कृति के संबंध में सही नहीं है, तो इसको बताना है 65 वाले में। तो साथियों इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। यस ये बात सही है, लेकिन हमको गलत वाले को करना है। तो गलत वाले का कह रहा है कि चित्रित भूरे मृत भांड स्थलें पूर्वी बिहार, पूर्वी यूपी, बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित है। तो साथियों यह गलत है, विकल्प नंबर बी गलत है, क्योंकि साथियों यह जो है जो इस काल में मिट्टी जो के बर्तन तो बने ही थे, उपयोग किए जाते थे, खास करके जो हथियारों का प्रयोग भी होता था, और उत्तर वैदिक साहित्य कई जनजाति समूहों राज्यों उल्लेखनीय में बड़े साम्राज्य विकास की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन लौह युग के चित्रित भूरे मृत भांड संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। तो लौह युग के चित्रित भूरे मृत भांड के संबंध में यानी उसकी संस्कृति के संबंध में कौन सा सही नहीं है, इसे बताना है। बहुत सिंपल प्रश्न है। तो साथियों इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, यस इसमें कोई बात नहीं, ये बात सही है। तो दूसरा और ये कहाँ होती थी, ये पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी ये साइड में होती थी। तो और इसमें लिख दिया है कि यूपी बिहार निकटवर्ती इलाकों में, तो ये गलत हो गया क्योंकि यह पश्चिमी यूपी हरियाणा पंजाब इस साइड में यह कल्चर थी। तो विकल्प नंबर बी आपका गलत हो गया, तो गलत ही आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। और तो ये तो आपका उत्तर हो गया, फिलहाल इसको भी पढ़ लीजिए ये सही है। इस युग के लोग लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे, कई जनजाति समूहों और राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, ये सब सही है, बी ही गलत था, तो बी आपका उत्तर होगा। तो साथियों यहाँ पर देखिए आपको जो है कुछ सूची दिया गया है, उसका विकल्प फिलहाल अगले पेज पर है। तो यहाँ उपनिषद दिया है और उसका व्याख्या दिया है दूसरी सूची में, तो एक उपनिषद उसका व्याख्या को मिलाना है, यही आपको मिलाकर बताना है हमें इसका कहां जाएगा। तो साथियों यहां पर जो है देखिए हम लोग यहां से देखते हैं एतरे जो पहले दे दिया है, एतरे यह किस पे जाएगा साथियों, तो आप लोग जानते हैं यह आत्मा और चेतना की उत्पत्ति का विवरण प्रदान करता है। तो ये कहां है, एतरे आत्मा ये वाला है, पहला ही है, आत्मा और चेतना की उत्पत्ति के बारे में कह रहा था। और छांदोग्य उपनिषद साथ ही मंत्रों की लय और जाप से संबंधित है, तो ये वाला इस पर आ जाएगा। अब जो एक तरह से कह सकते हैं कंठ था, ये किससे संबंधित होगा, एक साथियों मुंडक उपनिषद पहले देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें सत्यमेव जयते का भी मतलब जो हमें लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो ये हो जाएगा। और बचा आपका ये, तो ये इसी पर हो जाएगा, यानी सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो इसका मतलब 66 में तो देख लेते हैं ए बी सी डी ये वाला हो जाएगा, पहला ही आपका उत्तर। 67 में देखते हैं निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता है, किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता है साथियों, ये आपको बताना है। तो बिंदुसार को, विकल्प नंबर बी बिंदुसार जो जो है अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात का मतलब साथियों जैसे ये होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, जैसे अमित्र चोटक, पहले अमित्र चोटक होता है, अमित्र चोटक का मतलब ये होता है
तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। इसमें आपसे कह रहा है कि किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात का मतलब ये होता है साथियों, शत्रुओं का हत्यारा, शत्रुओं को मारने वाला। तो किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता है? तो विकल्प नंबर बी को बिंदुसार को कहा जाता है। और साथियों जो यूनानी लेखक थे वो अपने लेख में अमित्रोचेटस इसको बताए हैं, इसको अमित्रोचेटक, अमित्रोचेटक कहा जाए है यूनानी लेखों में। और फिलहाल अमित्रघात ये बिंदुसार को शत्रुओं का विनाश करने वाला, मारने वाला। 68 देखते हैं, मौर्य प्रशासन के तहत भूमि टैक्स, भूमि कर यानी भूमि टैक्स एकत्र करने वाले, भूमि टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो साथियों मौर्य प्रशासन में जो अधिकारी भूमि का टैक्स इकट्ठा करते थे, वसूलते थे अधिकारी, तो उसके वर्ग को क्या कहा जाता था ये आपसे पूछ रहा है साथियों। बहुत अच्छा, तो आप लोग जानते हैं एग्रोनोमोई, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 68 का ए हो जाएगा हमारा। आगे देखें 69 में, 69 में क्या है? बेसनगर स्तंभ शिलालेख, बेसनगर यानी बेसनगर विदिशा को भी, कहीं कहीं इसका नाम विदिशा आपको भी मिल जाएगा। तो बेसनगर स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भगवान के रूप में वर्णित किया है? तो साथियों जो भगवान के रूप में बेसनगर यानी विदिशा के स्तंभ लेख में खुद को भागवत के रूप में, सॉरी भागवत के रूप में वर्णित किया गया है, तो वो कौन है? तो आप लोग जानते हैं साथियों, ये जो है ये हेलियोडोरस है, विकल्प नंबर डी हेलियोडोरस है। तो यह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। बेसनगर कहाँ है? मध्य प्रदेश के विदिशा में, यानी विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 70 में तो देखें, 70 वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मिनांडर से संबंधित सही है? तो इंडो ग्रीक शासक था जिसका नाम मिनांडर है, उससे संबंधित दो कथन है और सही कथनों को बताना है हमको साथियों। तो सही कथन क्या है इसमें? उसकी राजधानी शाकल थी, यस सही बात है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंधो, मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक विवाद है। तो यस बौद्ध ग्रंथ जो मिलिंद पंधो है, मिलिंद पंधो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। तो मिलिंद और नागसेन के बीच दार्शनिक विवाद है, तो दोनों बातें सही हैं। ये ए हो जाएगा आपका, 70 का ए हो जाएगा उत्तर। अच्छा है, आगे देखते हैं हम लोग। कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया है? ऐसा कौन सा कुषाण वंश का शासक था साथियों? कौन वंश का? कुषाण वंश का शासक था और वह अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया है। तो उस कौन था साथियों? विम कटभिषस, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ये विम कटभिषस जो कुषाण वंश का शासक था। आगे चले हम लोग देखते हैं, गौतमी सातकर्णी, 71-72 हो गया। गौतमी सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख, आप लोगों को ऐसे पूछ सकते हैं नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी सातकर्णी से है। तो गौतमी सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो उसे बताना है भाषा आपको, किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृतिक भाषा में लिखा, प्राकृत, प्राकृत भाषा साथियों। प्राकृतिक भाषा ऐसा भाषा होता है जो जन समूह की भाषा, जिसे आम जनता समझ सके, जो बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था तो भी प्राकृतिक भाषा में ही दिए थे। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 73 में। तो साथियों 73 वाले में भी मिलान वाला है, थोड़ा सा पेज हमें छोटा करना पड़ा है, आप लोगों को दिखाई अच्छे से दे रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो साथियों यहाँ पर दो सूची दी गई है, एक में संगम युग के भूमि विभाजन है और भूमि के प्रकार हैं दूसरी सूची में। तो इसको हमें मिलाकर सेट में हमें बताना है कि हमारा इस सेट में उत्तर क्या बन रहा है। तो साथियों ये जो कुरुंजी है, यहाँ पर कुरुंजी है, तो पहाड़ी भूमि, मतलब कुरुंजी क्या होता था एक तरह का, यह पहाड़ी भूमि हुआ करती थी। तो ये आपका कुरुंजी आ जाएगा पहाड़ी भूमि पर। और जो पालय है साथियों, ये पालय है, ये रेगिस्तानी भूमि से संबंधित है, यानी पाला मार दिया है, तो रेगिस्तानी यानी मरुस्थल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा। और आपको जो ये मुल्लाई है,
मुल्लाई साथियों, ये मुल्लाई जो है ये देहाती, जो देहाती से संबंधित है, खास करके चारागाह वगैरह जो चीजें हैं उससे संबंधित है। गांव में देहाती मतलब कहीं कहीं देहाती भी लिखा रहता है, कहीं कहीं चारागाह रहता है। तो मुल्लाई किससे है? चारागाह से संबंधित है। और एक हमारा बचा नेथल है, यह जो है तटीय एरिया से संबंधित है। तो अब हमें देख लीजिए हमारा सेट कौन बन रहा है, पहला आना चाहिए दूसरे पर, तो पहला दूसरे में एक ही जगह है बी में, तो उत्तर हमारा बी आ जाएगा। और बी वाला एक पर, सी वाला तीन पर, डी वाला चार पर। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 74 में। देखे साथियों बहुत अच्छा दिया है हमें, पांड साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है। जो पांड साम्राज्य है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों, ये बताना है। तो ऐसे कई सारे साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह पूछता है, तो पांड ऐसे ट्रिक याद कर ले, पांड मतलब पानी, पानी में कौन रहता है? मछली। तो पांड साम्राज्य की प्रतीक क्या है? मछली है। विकल्प नंबर ए आपका उत्तर हो गया। अगर आपका ये पूछे चोल साम्राज्य का चिन्ह क्या है, तो चोल साम्राज्य का चिन्ह साथियों बाघ है। बाघ, तो बाघ जिसे पा जाएगा उसको छोल देगा, ऐसे सोच लीजिए, छोल देगा। कौन छोल देगा? बाघ छोल देगा। और ये हो जाएगा, और ये धनुष, जिसको धनुष में क्या होती, तीर होती, तीर जिसे लगेगा तो वो साथियों चीर देगा उसे। तो चेर वंश के जो चिन्ह था वो चेर है। तो अगर आपसे पूछे चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है, धनुष है, और पांड वंश का प्रतीक चिन्ह मछली, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह बाघ, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, मौर्य काल में श्रेणी या श्रेणी क्या थे? तो मौर्य काल में श्रेणी क्या थे साथियों? एक तरह का व्यापारियों का समूह हुआ करता था, यही उन्हीं को श्रेणी कहा जाता था। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका उत्तर, व्यापारियों का समूह को श्रेणी या श्रोणी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो यहाँ 76 में निम्नलिखित में से किसने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो साथियों अगर आपसे कभी पूछे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। नेपोलियन एक साथी आप लोग जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही बड़ा योद्धा था, सेनापति था, तो जो हर एक युद्ध को जीतने की क्षमता रखता था, हर एक मिशन को। तो उसी तरह समुद्रगुप्त भी अपनी सेना को सुदृढ़ बनाया था, समुद्रगुप्त को भी इसलिए नेपोलियन का, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसने कहा है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, तो उसको आपको बताना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा है, बीएस स्मिथ। विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। 77 में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराह मिहिर द्वारा लिखी गई है? तो वराह मिहिर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है साथियों? तो आप लोग जानते हैं वराह मिहिर यहाँ पर पंच सिद्धांतिका नाम की ये पुस्तक लिखे हैं। विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यह विकल्प नंबर बी हो गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबार में जो नवरत्नों में से एक थे, ये वराहमिहिर। आगे देखते हैं 78 में अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य, अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और शैल और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? तो अजंता की गुफाओं के जो शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य हुआ, तो ये किसके संरक्षण में बनाए गए थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो साथियों किसके संरक्षण बनाया गया था? हरिसेन के। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, हरिसेन के संरक्षण में। आगे देखते हैं हम लोग 79 में, यहाँ साथियों चार आपको कथन दिया है, ये जो है छोटी इकाई से बड़ी इकाई, यानी इकाइयों के नाम दिया गया है एक तरह से, जो मतलब शासन करने में। तो इन चारों इकाइयों का क्रम बताइए क्या है? तो साथियों आप लोग जानते हैं इनका इनका क्रम आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है इन इकाइयों का क्रम। तो आप लोग जानते हैं भुक्ति होती थी साथियों, क्या होता था, जैसे ग्राम हो गया, तो ग्राम हो गया तो सबसे ये छोटा होता था ग्राम, और इससे बड़ा क्या होता था साथियों? विषय, विषय ये हो गया आपका, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 79 में हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न। इसमें आपको ये चार इकाइयां दिया गया है,
इन्हीं चार इकाइयों में से आपको सेट करके बताना है छोटे से बड़े में, तो उन्हें छोटी इकाई से बड़ी इकाई में सेट कर देना है। तो साथियों सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, ग्राम होती थी साथियों, जो गांव होता है हम लोग जानते हैं सबसे छोटी इकाई यह ग्राम होती थी। सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई में हमें जाना है, तो उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई में सेट करना है। तो साथियों यहाँ पर ग्राम सबसे पहले हो जाएगा क्योंकि छोटी से बड़ी पूछा है ना, तो ग्राम हो जाएगा। ग्राम के बाद हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ग्राम के बाद हमारा हो जाएगा ये विथी। विथी का मतलब ये तहसील होता है। और इसके बाद साथियों इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये विषय हो जाता है। विषय का मतलब ये जिला होता है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, ये भुक्ति होता है। भुक्ति का मतलब ये प्रदेश होता है। जैसे हमारे एक प्रदेश होता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जिले हैं कई, हर एक जिला में तहसील है, तहसील में कई सारे गांव होते हैं, उस तरह से तो आपका उत्तर ए बन रहा है। आगे देखते हैं हम लोग 80 में, कौन बीजगणित के जनक और भारत के पहले ज्ञात खगोल शास्त्री थे। तो बीजगणित के जनक और भारत के पहले ज्ञात खगोल शास्त्री एस्ट्रोलॉजर थे, तो ये बताना है आपको साथियों। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, आर्यभट्ट विकल्प नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट प्रथम। 81 में साथियों क्या पूछ रहे हैं हम, तो कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। तो 16 महाजनपदों में से साथियों ये गांधार है, कंबोज है, पांचाल है, कौशाम्बी है, तो ये कौशाम्बी नहीं है यहाँ पर। ये कौशाम्बी एक तरह की साथियों ये राजधानी थी, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, वत्स की राजधानी थी ये, तो ये डी आपका उत्तर हो जाएगी, 16 महाजनपदों में से नहीं है, 81 डी। तो साथियों यहां पर हम लोग देखें मिलाने वाला प्रश्न है हमारा 82 में क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर रखते हैं, आप लोग जान ही गए हैं मिलाने वाला है ये। तो पहली सूची में आपको दिया है महाजनपद, महाजनपद के अधिकारी, महाजनपदों में अधिकारी जो होते हैं अधिकारियों हैं, और दूसरी समय है उसका कार्य क्या होता था, तो उससे संबंधित बातें लिखी गई हैं साथियों। बहुत अच्छा, इसको आप लोग देखिएगा जरूर एक बार, और इसके अपने थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों यह जो है व्यवहारिक, सार्वार्थक, गणक, ये भागदूत, तो यहाँ पर जो लिखी गई है साथियों जो व्यवहारिक है तो ये न्याय से संबंधित है हमारा, और ये जो है लिखा है इसमें ये सर्वार्थक, तो सर्वार्थक ये क्या है, सर्वार्थक साथियों सामान्य मामले को देखता था, और ये जो गणक है इसमें साथियों ये गणक है ये मुख्य लेखाकार से संबंधित था, और भागदूत भाग का संग्रह से संबंधित था। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर बी बन रहा है ये वाला, अच्छा 82 का हमारा उत्तर बी हो गया, बहुत अच्छा। हम लोग 83 को देखते हैं क्या है हमारा 83 में, तो तेलुगु कृति, एक तेलुगु रचना है आमुक्त माल्यदा, इसके लेखक कौन है, तो आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है साथियों, कृष्णदेव राय, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय संबंधित है। तो जो आमुक्त माल्यदा विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव राय, मतलब कृष्णदेव राय क्या है, ये विजयनगर राजवंश से संबंधित हैं, तेलुगु महाकाव्य की कविता है। ये चीज बहुत अच्छी है। तांडव नृत्य, अभी तांडव नृत्य हमारे संसद में बहुत डिबेट हुआ था, आप लोग जानते हैं शिव का जो तांडव नृत्य होता है, तो उसके बारे में अभी राहुल गांधी जो संसद में बहुत सारा मुद्दा हुआ था, आप लोग देखे होंगे, तो अभय मुद्रा ये सब तांडव ये सब बारे में चर्चा खूब हुआ था। तो तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति, निम्नलिखित में से नटराज मतलब शिव की मूर्ति किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आप लोग जानते हो साथियों जो शिव जो है तांडव करते हुए उनकी नृत्य एक नटराज के, जिसे हम लोग कहते हैं नटराज की मूर्ति, वो जो हम लोग देखते हैं वो किस साम्राज्य से संबंधित है ये हमें बताना है, तो वो चोल साम्राज्य से संबंधित है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 में, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, तो बाणभट्ट द्वारा यहाँ क्या क्या लिखा गया, क्या लिखा गया है उसको हमें बताना है साथियों, बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है, तो ये वाक्य पदीय, विकल्प नंबर 4 हो जाएगा,
तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग, ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये कई पदों वाला था, मैंने चूक हो गया। तो यह बाणभट्ट के द्वारा कह रहा है कौन सा लिखा गया था। एक तो यही साथियों होगा, तो यहां पर दिया है 85 वाले में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है, कौन सा लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो साथियों यहां पर हर्षचरित, हर्षचरित तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, और पार्वती परिणय ये भी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ये दोनों जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो इसे याद रखें। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा, विकल्प नंबर यह डी हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा साथियों। बहुत अच्छा है, आगे हम लोग देखते हैं जो 86 है, इसमें क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है। अब देखो मिडाइवल से भी प्रश्न मिक्सिंग है, ये आपको एंशियंट और मिडाइवल से दोनों प्रश्न है इसमें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। तो साथियों ये जो नाम ही है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, तो ये बात तो सही है 86 वाला। ये तो साथियों क्वेश्चन नंबर 86 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानता है साथियों, बहुत अच्छा, जो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत का पहला शासक ये था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोग मालूम है, उन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में, अजमेर में नहीं। तो यही बातें गलत हो गई साथियों, यह दिल्ली में करवाया था। तो ये हमारी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया, लेकिन हम संभल के रहेंगे, हमने लेंस लगाया हुआ है। तो विकल्प और नंबर ए आपका गलत हो गया, यही आपका उत्तर होगा क्योंकि गलत पूछा है। और जो यहाँ बातें लिखी गई हैं, कुतुबुद्दीन जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था और बाकी उसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, उन्हें लाखबख्श कहा जाता था, ये भी बात सही है। और हसन निजामी फखरुद्दीन उसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक यानी सरकारी लेखक थे, तो ये भी सही है। तो विकल्प नंबर ए उत्तर होगा आपका, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हम लोग, लाखबख्श उसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि लाखों का दान करने वाला था। आगे देख लें हम लोग 87 में, इक्ता प्रणाली के संबंध में कौन सा सही नहीं है। इक्ता व्यवस्था के बारे में आप लोग खूब जानते हैं, पढ़े होंगे अच्छे से, बहुत सारे सवाल बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का इक्ता प्रणाली पर पूछा गया है कि इक्ता व्यवस्था क्या था। तो इक्ता व्यवस्था के बारे में आप लोग को बताना है, यह पहला मतलब कौन सा सही नहीं है। तीन बातें सही है, एक सही नहीं है, उसी गलत वाले को हमें पकड़ना है। तो साथियों जानते हैं यह कृषि पर टैक्स लगाने की एक तरह की प्रथा थी, इकता व्यवस्था, जो सम्राट को इकताओं में बांट दिया जाता था, उन्हें पेमेंट की जगह जो है इकता दिया था, किसी भूमि का उन्हें टुकड़ा दे दिया जाता था कि आप उसका जो है इसका लगान वसूलिए। तो यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा एक तरह से थी। जी बिल्कुल सही बात है, यह वंशानुगत प्रावधान था। नहीं साथ, यह वंशानुगत नहीं था, जिसको मिलता था स्पेसिफिक लोगों को मिलता था, ये जो है वंश आधारित नहीं था। तो यही जो है विकल्प बी आपका गलत हो गया, तो यही आपका उत्तर होगा विकल्प बी, और बाकी सब सही है अपनी जगह पर। आगे देख लें, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो खिज्र खान, यहाँ खजरी खान लिख दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर नाम साथियों खिज्र खान है, खिज्र खान। तो विकल्प नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, 88 का सी। तो हम लोग देखते हैं ये 89 दिया है, 89 वाले में साथियों क्या है। बाबर के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं, विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए बाबर के बारे में।
वह नक्शबंदियों सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अरहार के अनुयायी था। तो साथियों ये था कि नहीं था ये हमें नहीं पता, लेकिन चलिए हम लोग मान लेते हैं था, क्योंकि तो जब ऐसे कंडीशन आए तो बहुत अजीब सा लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब मान ली यहाँ दिखा है चंदेरी का युद्ध, ये 1527 ईस्वी में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। यस साथियों जो आप लोग को मालूम है यह जो है जो 26 में साथियों यह 26 में पानीपत का युद्ध हुआ था और 27 में यह खानवा का युद्ध हुआ था, आप लोग मालूम है। और ये 28 में 1528 में यह जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था और 29 में साथियों आप लोग को मालूम है यह घाघरा का युद्ध हुआ। तो ये सब चीजें आपको मालूम हो गया। तब यहाँ जो 1527 में चंदेरी का युद्ध दे दिया तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पूछना चाहिए इसे ये वाला गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है, तो इसका उत्तर आप बताइएगा, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये गलत है और ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग 90 में, 90 वाले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है उसे हमें बताना है। हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईसा खान मस्जिद का निर्माण कराया था। तो साथियों ये बात सही है कि गलत है, कि आप इसको आपको पकड़ना है, तो कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, यही वाला गलत हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साथियों हुमायूं ने दिल्ली में ये करवाया था, लाहौर में नहीं करवाया था, हुमायूं ने ही, लेकिन लाहौर में नहीं बल्कि यह दिल्ली में करवाया था। तो बाकी ये हमें पकड़ में आ गया, ये सब सही है अपनी जगह पर, शेरशाह सूरी समय में ये था ऐसा, और ये सब सही होंगे, नहीं आता है फिर भी मान लेना, क्योंकि जब पहला हम पकड़ लिए तो वही है, बाकी सबको हम भूल जाएंगे। तो 91 में क्या है, अकबर के संदर्भ में विचार कीजिए कथनों पर और हमें सही उत्तर दीजिए, कौन सा उत्तर सही है अकबर के संबंध में, तो यही हमें बताना है। तो थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। तो साथियों कहाँ गलत है, ये तो अकबर के बेटा जो जहांगीर था उसके शासनकाल में आया था ना थॉमस रो, तो ये बात तो गलत हो गई सीधा सीधा। उनका अंतिम अभियान 1601 गोलकुंडा के विरुद्ध था। तो साथियों ये भी नहीं, उनका अंतिम अभियान ये भी नहीं है। तो अकबर का अंतिम अभियान साथियों असीरगढ़, जिसे असीरगढ़ कहा जाता है, असीरगढ़ था, जिसे हम लोग खानदेश भी कह देते हैं कहीं कहीं, तो वो था, तो गोलकुंडा नहीं था, तो ये भी गलत हो गया, तो डी आपका उत्तर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है, न तो एक न तो दो। 92 में क्या है, तो साथियों ये भी सूची वाला सवाल दे दिया है हमको डिस्टर्ब करने के लिए, आधा अगले पेज पर चला गया है इसका, तो इसको हमें थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। तो दो सूची है, एक सूची में साथियों ये कुछ नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में भी देखते हैं, दूसरी सूची में क्या है, तो दूसरी सूची में भी वो उसके काम से संबंधित है, तो ये हमको मिलाना है, मिलाकर बताना है क्या है। ग्राम का मुखिया, संचार, ये बंदरगाह गवर्नर, ये इस तरह से है। तो हमारा ये जो वाकिया नवीस है साथियों यहाँ पर, तो ये समाचार पत्र विवरण करने वाला संबंधित है, तो ये हो जाएगा समाचार विवरण करने से, यानी न्यूज से संबंधित हम कह लें, क्योंकि अगला पेज पर है दरोगा, ये डाक क्या है, यह संचार माध्यम, डाक मतलब संचार, इसे ही समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, संचार से संबंधित था। मुकदम, मुकदम साथियों ग्राम का मुखिया था, ये ग्राम का मुखिया, ये ग्राम का मुखिया था। और मुतसद्दी, मुतसद्दी क्या होते थे साथियों, बंदरगाह के गवर्नर, तो ये बंदरगाह यहाँ के जो रेगुलेट, बंदरगाह जो कंट्रोल उसके हाथ में रहता था वो था। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर मिला दी है साथियों, तो मिला दिया है, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपको ये वाला तो 4 पर हमने मिलाया था, समाचार वाला सबसे अंतिम में, तो यही आपका बी होने जाना चाहिए, उत्तर बी होगा, यस यही होगा। आप लोगों को मैं मिला दिया हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस बात। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है, अकबर की जो भू राजस्व प्रशासन है उसके बारे में
कौन सा कथन गलत है इसको हमें बताना है साथियों। तो अकबर ने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी साथियों, यस दहसाला प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। तो इस आधार पर मूल्यांकन किया जाता था कि भूमि की औसत क्या है। दहसाला का मतलब यही होता है साथियों, पिछले 10 साल में जो उपज था, पिछले 10 साल में जो उपज पर टैक्स लगता था उसका औसत लेकर, ये मतलब एक औसत एक तरह के भूमि राजस्व का मूल्य निर्धारण करना औसत होता था, तरीका वही था ये। तो सही है। तो और ये चाचर भूमि प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है साथियों, ये गलत है। जो चाचर भूमि थी साथियों, आप लोग को मालूम है चाचर भूमि पर 3 या 4 वर्ष में एक बार खेती किया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष नहीं, ये 3 या 4 वर्ष में किया जाता है खेती। और जैसे आप लोग जानते हैं पोलज, पोलज प्रत्येक वर्ष भूमि, जो प्रत्येक वर्ष भूमि को जो खेती किया जाता है उसे पोलज कहा जाता है। ये हो गया। तो बाकी ये सब जो है ये गलत है और बाकी सब सही है अपनी जगह पर। तो यही बी आपका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है उसे हमें बताना है। तो गोविंद देव मंदिर नासिक में कह रहा है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, इत्मादौला का आगरा, पंचमहल फतेहपुर सीकरी, इनमें से एक बेमेल है, उसी बेमेल को हमें पकड़ लेना है। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं जो गोविंद देव मंदिर दिया है नासिक में, तो यही वाला आपके साथ यहाँ पर गलत हो गया है। तो यही साथियों गलत है आपके। तो गोविंद देव मंदिर जो है ये वृंदावन में है, गोविंद नाम ही, जैसे आप लोग साथियों गोविंद क्या है, कृष्ण का नाम है, तो ये वृंदावन है, नासिक में नहीं है, वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। तो यही आपका गलत हो गया, यही आपका उत्तर होगा। और बाकी बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराज, इत्माउद्दौला का आगरा, पंचमहल फतेहपुर सीकरी, ये सब सही है, ये गलत था, यही आपका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया, तो बाबर नामा का फारसी, बाबर नामा जानते हैं, बाबर ने खुद तुर्की भाषा में अपनी जीवनी लिखी थी जिसे बाबर नामा कहा गया, और मतलब ये इसका अनुवाद फारसी में किसने करवाया। ज्यादातर जो है मुगल सम्राट जो थे उनकी जीवनी फारसी भाषा में आप पाएंगे। तो ये जो है बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये साथियों आप लोग को बताओ, ये अब्दुम रहीम खान खाना, हाँ विकल्प नंबर बी हो जाएगा, सी अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 में, तो इसमें क्या है, कथनों पर विचार कीजिए, डोमिंगो कथनों पर हमें विचार करके बताना है, क्या बताना है थोड़ा सा हम अगले पेज पर देख लें। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो जो सही है उसको हमें बताना है, जो सही है तो जो सही है उसे हमें बता देना है। चले पढ़ते हैं पहले। तो डोमिंगो पायस, पेस लिख दिया, पायस होना चाहिए, पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो साथियों यस डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली व्यापारी था और यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया, सही है। ये फ्रेंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया है, यस ये भी बातें सही है, यानी दोनों के दोनों बातें सही है इसकी। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है सूफीवाद में सुरह का अर्थ क्या है, तो सूफीवाद में सुरह का अर्थ क्या है ये हमें बताना है 97 वाले में। तो सुरह का अर्थ सहिष्णुता का पालन करना, यानी सहिष्णुता यानी एक तरह से भाईचारे का, प्रेम व्यवहार का, ये वाला हो जाएगा, डी हो जाएगा उत्तर, सुहर का अर्थ सहिष्णुता का पालन करना, 97 का डी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हम लोग 98 में, देखें साथियों यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है सब छोटे से। इसमें जो है मराठा शासन के दौरान प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही यानी छोटे से बड़े, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा उससे बड़ा, ऐसे तो आरोही क्रम में कौन सा सही क्रम है, तो इसे हमें बताना है। आरोही क्रम में अगर पूछ लिया है तो आप कौन सा बताएंगे। तो साथियों आप लोग जानते हैं मौजा, सबसे छोटा मौजा होता था, मौजा कई गांवों को मिलाकर होती, जो कई गांवों के समूह, दो चार गांव जो होता है मिलाकर, उसे मौजा बोला जाता है। हम लोगों के दादा मतलब अभी भी उनके मुंह से मौजा शब्द सुनने को मिलता है,
तो जैसे दो तीन गांव, चार गांव, गांव का जैसे समूह होता है, और परगना एक तरह का पूरी तहसील होती है, और उससे बड़ा जो है तरफ प्रांत होता है, और सबसे बड़ा प्रांत होता है, आप लोग जानते ही हैं, प्रांत सबसे बड़ा प्रांत मतलब स्टेट, तो यही आपका उत्तर होना चाहिए, यही है। आगे देख ले हम 98 में, 98 तो हो गया हमारा, अब हम लोग 99, 99 देखते हैं क्या है। मोदी लिपि, कहीं कहीं से मोडी लिपि भी कहा जाता है, तो मोदी या मोडी लिपि का उपयोग निम्नलिखित दस्तावेजों में किया जाता था, तो कहाँ किया जाता था साथियों मोडी लिपि का प्रयोग, तो आप लोग जानते हैं मराठा शासन में, म से मोडी, म से मराठा, विकल्प नंबर बी। आगे देखते हैं 100 वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है, एक तरफ यहाँ विद्वान दिया है, दूसरी तरफ उनका दर्शन है, और कौन सा गलत है उसको बताना है, कौन सा गलत हो गया है यहाँ पर। तो साथियों शंकराचार्य ने अद्वैत का जो है दर्शन दिया है सिद्धांत, रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद का दिया है, और निम्बारका ने द्वैताद्वैत का दिया है, वल्लभाचार्य द्वैत का दिया है, तो ये साथियों वल्लभाचार्य का ये वाला ये गलत हो गया, तो पुष्टि मार्ग ने दिया है वल्लभाचार्य, तो ये द्वैत नहीं होगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 101 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, देखें 101 में क्या पूछा जा रहा है, कथनों पर कौन सा कथन सही है, तो साथियों कौन सा सही, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ, कहां समाप्त हुआ साथियों, चार युद्ध हुआ था, चौथे में जाके फरियाया था जब टीपू सुल्तान की मौत हुई थी, ये गलत हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सरे आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया, तो ये भी नहीं था साथियों, आयरकूट नहीं था, कोई और था इसमें, लेकिन इतना तो कंफर्म है ये नहीं था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, सॉरी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये 1790 के 92 के आसपास हुआ था, तो ये साथियों इसमें लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था, यस साथियों हार गया था इसमें, तो यही सी वाला आपका उत्तर होगा, यही सी। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखा है चौथे में, चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध में आर्थर वेलेजली, वेलेसली के नेतृत्व में, वेलेजली होना चाहिए था, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान से पराजित किया, तो नहीं साथियों इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, यह इसके पहले हो गई, तो फिलहाल सी यहाँ उत्तर होगा, मैंने पहले बताया। तो 102 में क्या है, 102 में साथियों क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित युद्धों में से कुछ युद्ध दिए गए हैं, विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में सजाइए, तो आपको बताना है कौन सा सेट हमारा सही हो रहा है। तो साथियों इसका डेट पहले आपको पता होना चाहिए, अगर डेट पता नहीं है तो फिर हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो पिंडारी का युद्ध साथियों हमारा 1817-18 के बीच हुआ था, 1817-18 के बीच हुआ था पिंडारी का युद्ध। उसके बाद साथियों ये जो हमारा अर्कोट का युद्ध दिया, प्रथम कर्नाटक युद्ध देख ले, जैसे जो हमें सबसे पहले आता है उसी को देख ले, प्रथम कर्नाटक युद्ध साथियों आप लोग जानते हैं 40 से 48 के बीच हुआ था, ये 46 से 48 बीच, 1746 से 48 के बीच हुआ था, ये हम देख लिए। प्लासी का युद्ध कौन भूल सकता है, 1757 में हुआ था, जो मीर जाफर की गद्दारी की वजह से, और ये अर्कोट का युद्ध यहाँ दे दिया है, अर्कोट का युद्ध साथियों यहाँ पर जो दिया है यह 1751 में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, तो 1751 में, तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कौन सा क्रम आपका बन रहा है, सब 1700-1700 है, यही पिंडारी वाला 1800 है, यानी एक सबसे अंत में रहना चाहिए, अब आपको इस बात से क्लियर हो गया, तो एक किस में सबसे अंत में है, तो आप लोग देख सकते हैं केवल इसमें एक सबसे अंत में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये वाला ए आपका उत्तर होगा। बहुत अच्छा, हमें कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ा, आसानी से उत्तर मिल गया हमें। आगे देख ले, अब देखें 103 में, सिख आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सिख आंदोलन के संदर्भ में कौन सी बातें सत्य है, तो साथियों आप लोग जानते हैं हर गुरु हर गोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण किया था, तो यस ये बातें सही है इसके संबंध में, और गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी, ये भी गलत है, अमृतसर में तो गुरु नानक ने नहीं रखी थी।
जो है रामदास ने रखी थी, और गुरु अंगद ने लंगर की सामुदायिक व्यवस्था, नहीं साथियों गुरु नानक ने ये लंगर की व्यवस्था, जो सामुदायिक रसोई की बात करते हैं, गुरु नानक ने करवाया था, और इसके चेले थे गुरु अंगद, ये इसको कंटिन्यू किए थे, तो ये भी गलत हो गया। गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि को ये मानकीकृत किया, तो ये भी सही नहीं है। तो डी वाला आपका सही है, ये क्लियर है हमें, तो जो क्लियर है तो इसका मतलब वही सही होगा, बाकी कुछ छोड़ सकते हैं हम लोग। शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत था, शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत कौन था, क्या था, इसको हमें बताना है। तो साथियों आप लोग जानते हैं ये सैन्य कमांडर था सर ए नौबत, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। 105 में बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को टैक्स देना बंद कर दिया था? तो बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को टैक्स देना बंद कर दिया था साथियों? तो ये कौन सा बंद कर दिया था? तो वही ये जो है, यहाँ पर मुर्शीद कुली खान लिखा है, सरफराज खान लिखा है, और सिराजुद्दौला लिखा है, अली वर्दी लिखा है। तो साथियों यहाँ पर जो अली वर्दी खान है, तो ये जो है नवाबों में से मुगल सम्राट को टैक्स देना बंद किया था, यही अली वर्दी खान, तो जो कह सकते हैं यह अवध का अंतिम शासक था, पहला वाला, पहला था। तो ये विकल्प बी हो जाएगा आपका उत्तर। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया? तो 106वें के बारे में साथियों जो पूछ रहा है कि कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया है, तो विकल्प नंबर इसका आपका हो जाएगा मैसूर, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं साथ में, अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अहमदनगर सल्तनत की स्थापना साथियों यह की गई थी मालिक अहमद शाह बाहरी के द्वारा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर। आगे देखते हैं हम लोग 108 में, निम्नलिखित में से नागालपुरम का संस्थापक कौन था? तो नागालपुरम का संस्थापक जो था इन चार नामों में साथियों, यह कृष्ण देव राय प्रथम, विकल्प नंबर ए, वह विजयनगर साम्राज्य तुलु वंश का शासक था, तो ए हो जाएगा आपका उत्तर। तो गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो गोलकुंडा सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था? तो साथियों इसमें बताना है किसका शासन था, तो यहाँ आदिल शाह तो नहीं था, ये कुतुब शाही, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ये कुतुब शाही हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 110 में, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में साथियों हमारा ये अलाउद्दीन बहमन शाह के प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप, मतलब कौन सा कथन सही है? तो ये वाला साथियों तो सही है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया, दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनवाई गई, दोनों बातें सही है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा दो के दोनों। 111 निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 का प्रथम उप विजेता रहा? तो कौन सा देश हॉकी विश्व कप विजेता 2023 का कौन था? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ 111 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बेल्जियम, विकल्प नंबर ये हो जाएगा सी। तो साथियों यहाँ 110 तक आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 110 तक मेडिवल और जो है और एंशियंट था, अब यहाँ से 110 से लेकर जो है 50 तक, जो है 150 तक साथियों करंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो हम लोग करंट की जो चीजें हैं साथियों इसके बाद हम लोग बनाएंगे, तो करंट का हम लोग सारा एक जो हर एक टेस्ट सीरीज में हम करंट को छोड़ देते हैं, मतलब हर एक में नहीं, जो मतलब जो दो चार जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज होती है तो उसमें कुछ करंट के आ जाते हैं, तो उस करंट को निकाल कर हम एक ही वीडियो में उसके कंपाइल करेंगे, उसके लिए 100 150 200 जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग उसके लिए एक सीरीज अलग से बनाएंगे, तो इसलिए हम करंट को छोड़ दे रहे हैं यहीं पर, तो हम लोग मॉडर्न इंडिया को देख लिए और इसमें
एंशियंट और मेडिवल को देख लिए। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।